नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज टाटा पावर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, लेकिन जब जमशेदपुर में ब्लड डोनेशन की बात होती है तो आप देखेंगे कि देश का पहला नहीं तो दूसरा ऐसा शहर है जहां पर ब्लड डोनेशन के प्रति इतना उत्साह आपको देखने को मिलेगा। सर, क्या कहेंगे ब्लड डोनेशन की बात जमशेदपुर और जब कंपनियों की होती है, इतना उत्साह कैसे देखने को मिलता है सर? एक तो है कि ये हम लोग हर साल करते हैं और ब्लड डोनेशन ऐसे चीज़ होता है जिसमें सबको ज़रूरत भी पड़ता है, तो जितना जैसे हम लोग लास्ट ईयर भी 100 के ऊपर हम लोग दिए थे और हम लोग का ज़रूरत भी लगभग उससे भी ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ का एक फीलिंग होता है कि हम जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उससे ज़्यादा भी हमको ब्लड ज़रूरत होने से मिलती है। बहुत सारा इमरजेंसी, किसी का डिलीवरी के टाइम पे इमरजेंसी, फैमिली मेंबर का इमरजेंसी, तो इससे लोगों के अंदर में एक उत्साह रहता है कि हम जितना ब्लड डोनेट करेंगे तो हमको जब ज़रूरत होगा तो उस टाइम मिलती है। यही एक कारण है जिसमें मोटिवेशन आपको मिलती है। दूसरी बात ये दिखा गया है कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है सर, टाटा मोटर्स हो, टाटा पावर्स हो या जो भी कंपनियाँ हैं, ब्लड डोनेशन के लिए अपने एम्प्लॉई के लिए खासकर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं और कुछ ना कुछ जैसे छुट्टी किस तरह की कोशिश रहती है कि आप ब्लड डोनेट करो। ये कल्चर क्या भारत में कहीं और भी देखते हैं, कंपनियां खासकर अपने एम्प्लॉई को इसके लिए रेडी करें? एक तो आपको ये बाकी जगह में भी आपको दिखेगी, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग देखते हैं जहाँ पे ब्लड डोनेशन दिया जाता है तो उनको मोटिवेशन के तौर पे पौष्टिक आहार दिया जाता है उस दिन का या छुट्टी भी दिया जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पे सिमिलर वे में करते हैं, उनको ब्लड डोनेशन देने के बाद में उनको सफिशिएंट फूड दिया जाता है, रेस्ट दिया जाता है और एक दिन का छुट्टी भी दिया जाता है, तो ताकि वो रेस्ट ले पाएँ और ताकि कोई कोई क्या होता है कि ब्लड डोनेशन देने के बाद कहीं चक्कर ना आ जाए या वीकनेस ना फील करे, इसको दूर करने के लिए हम लोग सफिशिएंट केयर भी लेते हैं। कोरोना काल में भी यहाँ देखा गया था हमारे साथ ब्लड डोनेशन, ब्लड बैंक कहने में, हाँ, तो ब्लड जमशेदपुर की जब बात आती है ब्लड डोनेशन को लेकर, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, इसलिए इतना उत्साह देखने को मिला? देखिए, जमशेदपुर में लास्ट कुछ दिनों में, कुछ सालों में बहुत सारे लोग अवेयर हैं यहाँ, फिर भी हम लोग अवेयर हैं और काफ़ी ब्लड, काफ़ी यूनिट देते हैं भी, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, तरह सब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब लोगों ने बनाया है कि पहला उद्देश्य है कि ब्लड डोनेशन कैंप करो, तो उसमें काफ़ी होता है। कई बार तो ब्लड बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, हमने देखा कि आप एक टाइम इतना ब्लड डोनेट ना करो। जब हमारे पास अच्छा स्टॉक हो जाता है, सफिशिएंट स्टॉक हो जाता है, तो हम एक भी रिप्लेसमेंट नहीं लेते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट आता है पेशेंट दे देते हैं, जो ग्रुप नहीं रहता है उसी का कभी कभी रिप्लेसमेंट लेते हैं। और ब्लड डोनेशन का यहाँ टच वुड काफ़ी अच्छा कल्चर है, बाय गॉड्स ग्रेस। नहीं, काफ़ी मतलब सपोर्ट मिला और मैं तो आभार व्यक्त करूँगा अपने सीनियर मैनेजमेंट का जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, लोगों को मोटिवेट किया, और आभार व्यक्त करूँगा हमारे मजदूरों का जिनकी संख्या बल सबसे अधिक है और सबसे ज़्यादा ब्लड उन्होंने आकर स्वयं वॉलंटियरिंग आकर उन्होंने ब्लड को दिया है, तो इसके लिए मैनेजमेंट और सारे सुपरवाइजर मजदूरों को बहुत बहुत धन्यवाद है टाटा पावर की तरफ से और हमारे सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से। ये हमारा रहेगा और हम चाहेंगे कि आगे भी अगली बार हम ब्लड डोनेट करें तो हम कम से कम 100 नहीं तो 200 की संख्या को हम छुएं, यही हमारा उद्देश्य रहेगा जिससे लोगों को सही समय पे ब्लड मिल सके। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि यहाँ जन्मदिन हो किसी का, किसी का पुण्यतिथि हो, स्थापना दिवस हो, कभी भी कोई खुशी का मौका है तो ब्लड डोनेशन कैंप आपको हर जगह देखने को मिलेगा। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब जमशेदपुर में ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगता होगा, तो एक अच्छी शुरुआत है। और साथ खासकर जब इंडस्ट्री इसमें इस तरह से पार्टिसिपेट करे, अपने लोगों को अगर इस तरीके से उत्साहित करे, वो भी एक सराहनीय कदम है। हमें लगता है देश के बाकी शहरों को भी, बाकी इंडस्ट्री को भी सीखने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी मनीष पांडे, चेतना मूर्ति और तमाम टीम के साथ शशि भूषण, सुशल संवाद, झारखंड।